केंद्रीय कृषि मंत्री एवं मुरैना सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने जिला चिकित्सालय परिसर में नवीन ऑक्सीजन प्लांट का गुरुवार को शुभारंभ किया। मुरैना के बानमौर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित जेके टायर इंडस्ट्रीज द्वारा स्थापित इस प्लांट का लोकार्पण करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोरोना नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। श्री तोमर ने कहा कि अस्पतालों में उपकरणों की कमी नहीं आने दी जाएगी। इस प्लांट से प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। मुरैना जिला अस्पताल में यह दूसरा प्लांट स्थापित किया गया है। इस अवसर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी द्वारा मुरैना श्योपुर जिले के लिए प्रदत्त 10 आधुनिक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इनमें से मुरैना जिले के लिए 6 तथा श्योपुर जिले के लिए 4 वाहन मिले हैं। कार्यक्रम में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा मुरैना जिले के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने दोनों कंपनियों के संचालक गणों का सौगात के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में जिला चिकित्सालय के सफाई कर्मी से लेकर चिकित्सकों तक कोरोना योद्धा के रूप में काम करने वाले कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। दोनों मंत्रियों तथा उपस्थित अतिथियों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कंपनी की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी सदस्यों एवं शासन प्रशासन पुलिस अधिकारियों से सतर्क रहकर कोरोना नियमों का पालन करने का आह्वान किया। मुरैना और श्योपुर के प्रभारी मंत्री माननीय भारत सिंह जी का मुरैना में प्रथम आगमन है। मैं इस अवसर पर उनका भाव स्वागत करता हूं, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, जनता जनार्दन की ओर से। आज मुरैना में एक ऑक्सीजन प्लांट जो पहले से अपेक्षित था, जिसको जेके टायर के सहयोग से निर्माण किया गया है, आज उसका लोकार्पण हुआ है। ऐसे ही पूरे संसदीय क्षेत्र के लिए, श्योपुर के लिए 4, मुरैना के लिए 6 एम्बुलेंस महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के माध्यम से प्रदान की गई हैं। आज उनको भी जिलों को सौंपा गया है।